आशीर्वाद। प्रतिदिन रात को 8:30 बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशीष। आशीर्वाद। आइए मेरे भाई और बहनों, इस रात्रि के समय हम आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए उनको धन्यवाद दें और प्रभु की आशीष पाने के लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, प्रेमी अब्बा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के एक एक वरदान के लिए जो तूने हमारे पर आज के दिन बरसाया है। तेरे वचन में लिखा हुआ प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 29 में, जो धन्यवाद नहीं देता उसकी आशा शीतकालीन पाले की तरह नष्ट होती है। हम इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे एक एक वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक एक सांस के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज के दिन हमें परिश्रम करने की शक्ति दी, ऊर्जा दी, हमारे परिश्रम के लिए फल दिया, हमें सहयोग देने के लिए बहुत सारे लोग दिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार के एक एक सदस्य के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके सहयोग के लिए। दयालु पिता, हम इस समय यह भी स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे अंदर कई दुर्बलताएं हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 15 में तूने कहा है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। हम स्वीकार करते हैं हमने पाप किया है, हमने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है, अपने वचनों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हमने बेईमानी की है, हमने शायद धोखा दिया है। हमें क्षमा करना, हमारे उस बुराई के कलंक को मिटा देना पिता। जिनको हमने दुख दिया है उनको इस समय सांत्वना देना पिता। हमने अपवित्रता के विरुद्ध पाप किया है, अपवित्रता में बहुत सारा समय बिताया है, इसके लिए तुझसे माफी मांगते हैं। विश्वास के विरुद्ध जो जो कार्य हमने किया है, सोचा है, उसके लिए हम तुझसे माफी मांगते हैं। हमारे हृदय और मन को शुद्ध करना, पवित्र करना। आज की रात के दौरान हमें शुद्ध और पवित्र करना प्रेमी पिता। हम इस समय अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने परिवार को समर्पित करते हैं, परिवार की हर जरूरत को तुझे समर्पित करते हैं, हमारे मन में जो जो चिंताएं हैं उन सारी चिंताओं को तुझे समर्पित करते हैं। हमारी सारी चिंताओं को अपने हाथ में उठा लेना पिता। हमें आज़ाद करना, हमें स्वतंत्र करना, हमें अच्छी नींद प्रदान करना, अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से हमें बचा के रखना, हमें सुरक्षा प्रदान करना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु तेरे पुत्र ने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। उस प्रभु के सानिध्य के एहसास हमें देना। आज रात में हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचा के रखना, हर तरह की महामारी से बचा के रखना, हर तरह के खतरे से बचा के रखना। तेरे लाखों स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे घर और आसपास के स्थान को सुरक्षा प्रदान करना, हमें अच्छी नींद प्रदान करना पिता। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। हे प्रेमी पिता, इस समय तेरे इन बच्चों पर आशीर्वाद दे, उन्हें संरक्षण प्रदान कर, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन पर अपना प्रेम उंडेल दे। वे जहां कहीं भी समय हो उनको शांति प्रदान कर। आज की संपूर्ण रात उनके लिए शांति की रात हो और कल कल दिन उनके लिए एक ताजा दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आशीर्वाद।